गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और एक ब्रांड न्यू एपिसोड, यानी आज मंगल का दिन है और हफ्ते का आगाज़ हुआ था कल। बड़ा एंथुजियास्टिकली हमने कल शो स्टार्ट किया और अब हम आगे जा रहे हैं टूवर्ड्स द वीक, मिड वीक्स तक जा रहे हैं। नाज़रीन, आई एम हैप्पी ऑन वन थिंग कि फाइनली कोरोना जो है वो उसने एक डाउन डिप लिया है। और कल की ताज़ा खबर ये है कि काफ़ी शहरों में अब जो शरह है पॉजिटिविटी की वो काफ़ी कम हो गई है। गो लाहौर अभी तक उसमें नहीं आ सका, लेकिन स्टिल द थिंग्स आर गेटिंग बेटर इफ़ नॉट द बेस्ट। लेकिन इंशाल्लाह दुआएं और दवाएं दोनों काम करेंगी, सब अच्छा होगा। लेकिन आप लोगों ने एक दो काम नहीं छोड़ने हैं, एक तो मास्क का इस्तेमाल, प्लस प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड। बहुत से लोगों के जहन में शायबा चल रहा है, यार पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, हमें कोरोना हो जाएगा टीका लगाने से। ऐसा नहीं होता कभी भी, आप लोग सेफ हो जाते हैं। और अगर आप सेफ़ होंगे, लाइफ सेफ होगी, तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं फॉर श्योर। और इसी बात पे आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। समर्स इन है, लेकिन फिर भी चाय पीना अच्छा लगता है गर्मी में। आई डोंट नो व्हाई, कि दिमाग फ्रेश रहता है, आप इलेट रहते हो, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं वो ज़्यादा मज़े के हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत गेस्ट हमने आज यहाँ पर बुलवाए हैं और मज़ा आएगा उनसे बातें करने का, उनको जानने का। मेरे आगे जो पहली गेस्ट बैठी हैं वो हमारी दोस्त हैं जो कि दुबई से लैंड किए हैं। और आई थॉट कि अगर वो यहाँ आई हैं एंड शी इज़ सच अ फेम, इंटरनेशनल फेम है उनका, तो उनको डेफिनेटली मेरे शो में आना चाहिए, बिकॉज़ ये मेरे शो के लिए बड़ी बात होगी आई एम श्योर। और अगर मैं बात करूँ उनकी प्रोफाइल की, तो शी इज़ एन इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, लाइसेंस सर्टिफाइड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इनफैक्ट, और बहुत सारे शानदार काम कर चुकी हैं, फतुहात गाड़ चुकी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लाइफस्टाइल ब्यूटी इनका डोमेन है। और अभी हाँ मैमून ने ये सोच लिया है कि मैंने जो काम करना है ना वो बस क्लास का करना है, वरना नहीं करना है, एंड दैट्स व्हाई शी इज़ द बेस्ट। So let's welcome her in the show and in Pakistan. Abiha, welcome aboard and assalamu alaikum. Thank you so much. कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी लग रही हैं। Yellow is in. I think it's the color of the season, right? Exactly. Season में ना ऐसे colors जो हैं वो आपके mood को भी ठीक कर देते हैं, एक fresh appeal से। So कैसा लग रहा है पाकिस्तान? गर्मी बहुत है यहाँ पे। गर्मी तो दुबई में भी है। हाँ, लेकिन वहाँ फील नहीं होती क्योंकि वहाँ पर इतना एसी है कि बस एसी ही एसी, बस यहाँ से निकलो एसी से। एग्जैक्टली, वहाँ ये फायदा होता है ना जी। तो बस यहाँ बताएं कैसा लग रहा है, क्या क्या खाया आपने अब तक? बहुत कुछ। अच्छा, सही है, खा ही रहे हैं जब से आए हैं। अदर देन दैट बाकी तो सब कुछ बंद ही है। एग्जैक्टली, आई रियली होप कि थिंग्स गेट, लेकिन कल से खुला है तो होपफुली चीजें अब बेटर हो जाएंगी थोड़ा बहुत। एनीवेज, बट आई हैव सीन पीपल यहां पे, दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर फॉलोइंग द एसओपीस। एग्जैक्टली, देखिए तभी तो ये हुआ है कि आप नोट कीजिएगा अभी है कि हम साया मुल्क में केसेस स्टॉप नहीं कर रहे यहाँ पर, थैंक्स टू गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस काफी हद तक, और प्लस द सिविक सेंस ऑफ पीपल, उनको अकल है कि हमने क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग आउट। और जहाँ ब्यूटी की बात हो रही है तो हमारी एक और दोस्त यहाँ बैठी हैं और जल्द मुलाकात मेरी इनसे रिसेंटली हुई, सो आई थॉट कि इनको भी यहाँ बुलाना चाहिए। बड़ी अच्छी इनकी स्माइल है, एक ज़बरदस्त सी इंचेंटिंग स्माइल है, अच्छा काम कर रही हैं और ये भी काफ़ी इंथुजियास्टिक है अपने गोल्स को लेकर। और जहाँ ब्यूटीफाइंग की बात आती है, मेकअप की बात आती है, तो शीरी खान जो है वो किसी से कम नहीं है। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम शीरी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी स्माइल काफी वो है, एंथुजियास्टिक टाइप की, टॉक्सिक स्माइल्स कहते हैं उसको, है ना। थैंक यू सो मच। सो कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको आज आपके साथ बैठी हैं अभीहा? सुपर, है ना। तो अभीहा का तो काम बोलता है, डेफिनेटली, एंड शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल इनफैक्ट। सो अभीहा, यू रॉक। बाय द वे, मैंने यूई मेकअप चैंपियनशिप मैंने सब बातें पूछनी है अभी अगले सेगमेंट में ना, आपसे बातें ही करनी है सारी मैंने, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसे ऐसे पोर्टली खोली आपकी तो सो आप बस तैयार हो जाएं बताने के लिए। सो कैसे जा रही है लाइफ? शुक्र अल्लाह। और गर्मी शर्मी आपको पता है, लाहौर है ना, लाहौर लाहौर है, लेकिन गर्मी के तोहफे देख रही हैं, आम आ गए हैं ऐसे ही है। और चीजें काफी, फोन बजते रहते हैं सेलिब्रिटी से, कोई बात नहीं, चलता रहता है। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। और जनाब, अगर हम बात करें फैशन फोटोग्राफी की, तो वो भी एक काफ़ी एक नई चीज़, जो मतलब नए नए नाम काफ़ी सामने आ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग कर रहे थे बहुत सालों से, लेकिन कुछ नए नामों ने आके रेवोल्यूशंस दी हैं और अपने अच्छे काम से, एक यंग एंथुजियास्टिक वर्क से एक इम्पैक्ट दिया है हमारे फैशन फोटोग्राफी पे। और जाहिद जो हैं हमारे, जाहिद पूरा नाम, जाहिद शेख, वेरी प्रिसाइज, मतलब ऐसा हो गया ना पूरे नाम भूल जाते हैं, आई एम सो सॉरी। तो जाहिद शेख ने ना वो बड़ी अमेजिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, प्लस ही इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग ब्लॉगर। So let's welcome him on the show. Assalamu alaikum. कैसे हो आप? बहुत अच्छा। और कहते हैं ना कि हम मिल रहे हैं आफ्टर सो मच टाइम, मुझे अच्छा लग रहा है शो पे। लॉन्ग टाइम। सो हाउ इज लाइफ? बहुत अच्छा चल रहा है, बस
कोविड की वजह से थोड़ा बहुत थोड़ा वो हो गया है ना। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, काम सही चल रहा है। तो लेकिन वेलकम ऑन द शो, आज हम सबकी कहानियां जानेंगे उन्हीं की जुबानी की देर में कि कैसे आप लोग इंस्पिरेशन बने हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है ना। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारे शो में नया टैलेंट जो है वो हमेशा छाता रहे और आता रहे। एक ऐसी ही लड़की आंखों में ख्वाब सजाए यहाँ लैंड किए हैं और प्यारी हैं, मनमोहनी सी हैं और थोड़ी लजाई थोड़ी घबराई, लेकिन शी इज डेफिनेटली डेस्टिन्ड टू अचीव हर गोल्स। सो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल सहर, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करने आई हैं और वो एक नया नाम है मॉडलिंग की दुनिया में, फैशन की दुनिया में। लेट्स वेलकम सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लग रहा है कोहिनूर? जबरदस्त। अच्छा लग रहा है। और आर यू ऑल सेट फॉर द गोल्स? यस। ऐसे ही रहना है और अपनी प्यारी प्यारी लुक से लोगों को एंचेंट करना है, ठीक है? इंशाल्लाह ये लव स्टोरी आपके साथ होना चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आइए शो का स्टार्ट करते हैं, एक म्यूजिकल डोज देते हैं। आजकल एक गाना ट्रेंडिंग पे जा रहा है, साहिली बग्गा का बदनामियां। आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट भी आ रही है, वही गाना देखते हैं, वापस आते हैं, सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए हम वापस और गाना वाकई बहुत मजे का था। बदनामियां आजकल ट्रेंडिंग पे नंबर 3 पे है और बग्गा और अलीजे ने ये गाना गाया है और कमाल कर दिया है। और म्यूजिक है और डायरेक्टर डायरेक्शन बाय जो भी कमाल डायरेक्टर है। हाँ भाई, तो फिलहाल चलते हैं हम आपकी जानिब अबीहा एंड मेरी कहानी मेरी जुबान। थोड़ा आपसे स्टार्ट करते हैं, बताएं अपने बारे में, कौन है अबीहा, कैसे सब स्टार्ट हुआ, व्हाई ओनली ब्यूटीफाइंग मेकअप, सब कुछ। एक्चुअली आई डिडंट स्टार्ट माय करियर विद मेकअप ओनली। वो मैं उससे पूछ रहा था कैसे स्टार्ट हुआ। हाँ जी, इनिशियली आई वाज इन पाकिस्तान, आई शिफ्टेड टू दुबई 11 इयर्स बैक। तो यहाँ कौन से शहर में थी आप? लाहौर। अच्छा, लाहौर ही है। आला पंजाबी। पंजाबी आला। सो आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, आई वाज 19 व्हेन आई गॉट मैरिड। ओके। फिर उसके बाद आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड और एज हमारी सोसाइटी के बच्ची मीडिया में नहीं जा सकती है एंड ऑल दैट, तो माय डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी पर्टिकुलर, ही डिडंट वांटेड मी टू गो इन मीडिया। तो मैंने स्कूलिंग टीचिंग शुरू कर दी थी, आई स्टार्टेड माय करियर एज टीचर, देन आई मूव्ड टू दुबई, आई वर्कड देयर एज अ टीचर एज वेल, आई वाज नॉट हैप्पी, नॉट वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। तो फिर मैंने यू नो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग फॉर मेकअप, यू नो के सब कुछ शॉपिंग करने में पैसे ज़ाया होते हैं, मेकअप जितना मर्जी खरीद लो। हाँ। तो बस आई स्टार्टेड माय एजुकेशन इन मेकअप, आई डिड माय सर्टिफिकेशन फ्रॉम वेरियस एकेडमीज, वेरियस स्कूल्स इन दुबई, इन पेरिस, एंड फिर उसके बाद बस होते अल्लाह की प्लानिंग की तरह होता है कि मैंने जब फरवरी में अपना पहला कोर्स शुरू किया, ख़त्म किया, तो अगले महीने टोइफा चल रहा था दुबई में। टोइफा इज़ अ वेरी बिग इवेंट, इट्स एन इंडियन अवार्ड्स जिसके अंदर करीना कपूर से लेके शाहरुख खान तक सब आए होते हैं। तो वहाँ से मुझे कॉल आ गई कि आपने मेकअप करना है बट फ्री में होगा। तो लाइक नहीं, मैं फ्री में काम नहीं करती। मुझे मेरी फ्रेंड्स ने कहा तुम पागल हो। हाँ सही बात है, शुरू में सीरियसली तुम पागल हो, तुम इतने शो में नहीं जा रही। तो पहला दिन तो मेरा मिस हो चुका था। दूसरे दिन आई वेंट देयर, आई डिड द मेकअप एंड स्लोली ग्रेजुअली बस पता ही नहीं चला कैसे। तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज आपने बहुत लाइव देखे? बहुत सारे जिनके साथ काम किया पर्सनली, संजय दत्त, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, तेजी शाह, बहुत सारे। लड़कियां वाकई प्यारी हैं देखने में, मैंने ये बताइएगा बिकॉज हमें तो ये बहुत प्यारी लगती है। आपको पूछना चाहिए उनका डॉक्टर कौन है। ओ हाँ सही। लेकिन आप माधुरी दीक्षित की बात करेंगे तो वो देखने में सच में प्यारी है ना, खूबसूरत है, मतलब शी इज लाइक, उसको देख के ना आप कहते हो कि हाँ यार ऐसे बुड्ढे होना है। सही बात है, जिस तरह वो एज कर रही हैं, आती हैं डांस दीवाने टाइप प्रोग्राम्स में, शी इज लुकिंग एंड शी हैज हर पर्सनालिटी भी तो होती है ना, नॉट जस्ट कि उनके ना करिश्मा है उनके अंदर एक। हाँ, करिश्मा है बिल्कुल। करिश्मा फिर पाकिस्तानी सेलिब्रिटी मेरा ख्याल है फ्रॉम एवरीवन, मैंने परवाज़ जुनून, जवानी फिर नियानी दोबारा, इन सब की सारी मूवीज, पंजाब नहीं जाऊंगी, अच्छा सब की प्रमोशनल मेकअप्स मैंने ही की। क्या बात है, छा गई। टोइफा नहीं, हमारा जो अभी पीसा हुआ था पीसा वॉच, उसमें सारे सेलिब्रिटीज में 90% सारे मेल फीमेल, सबके मेकअप मैंने और मेरी टीम ने किए थे। वाओ, यानी कि आप छाई हुई हैं फिर। सो आई हैव लाइक आई हैव आई एम अ मेकअप ट्रेनर एज वेल, तो मेरे अंडर भी काफी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मेरे साथ काम करती हैं। सो हाउ इज द फील बीइंग अ पाकिस्तानी एंड रेनिंग इन द एरा और इन द एरिना ऑफ मिडिल ईस्ट एंड ऑल? इट्स लवली मैम, मैं कभी-कभी अपने पेरेंट्स को भी यही कहती हूं
कि यू नो आई एम द ओनली एशियन, नॉट एशियन मतलब एशिया, इंडिया पाकिस्तान सबको मिला के द ओनली एशियन हु हैज एवर वॉन द यूएई मेकअप चैंपियनशिप. क्या बात है जी आपकी, जबरदस्त जबरदस्त. नहीं तो वो द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज कि प्रेजेंटिंग पाकिस्तान अपने मुल्क को कहीं पे प्रेजेंट करना, स्पेशली मिडिल ईस्ट यूएई जैसी जगह पे, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. वो जब लोग पूछते हैं ना आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से, अच्छा आप पाकिस्तानी नहीं लगती, तो बहुत फील होता है कि नहीं exactly. मैं पाकिस्तानी ही हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी. exactly. अच्छा कौन सी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जो है आपके ख्याल में शी और ही इज द मोस्ट, जब शी पे आते हैं, मोस्ट गुड लुकिंग एंड ब्यूटीफुल. देखिए हमारी पाकिस्तान में खूबसूरती तो बहुत है, और मैं अगर आपको सीरियसली बताऊँ, बिकॉज मैं उनको देखती हूँ विदाउट मेकअप, तो उन लोगों का बोटॉक्स फिलर्स एंड यू नो मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी बहुत कम हुई हुई हैं, बहुत अच्छा। कम है. अगर एक बहुत खूबसूरत हमारी पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो छोड़ चुकी है, आयशा खान. ओह यस. वो एक तो वो बहुत खूबसूरत है, उनका स्टाइल भी कुछ बहुत अच्छा है. एलिगेंसी. मंशा पाशा, उष्णा शाह, महवेश, काफ़ी सारे मतलब हाँ. इन सबके साथ मैंने काम किया हुआ है एंड देन दे आर वेरी 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 नाइस. सोनिया हुसैन. ओह यस. वो भी बहुत प्यारी हैं. So, बहुत सारे हैं जैसे शरियार मुनावर और अली जफर आर लाइक इतने खूबसूरत आदमी है वो कि वो सलमान खान शाहरुख खान को भी बीट कर जाते हैं. मैंने सबके इंटरव्यूज किए हैं, इनके ऑरा लगता है कि वाकई ये जबरदस्त है. और आप इनको शरियार मुनावर को देखें तो वो इंटरनेशनल स्टार से कम नहीं लगते. बिल्कुल सही. अगर इनको कोई करण जौहर मिल जाए तो ये वो ने क्या से क्या बना दे, आपस की बात है. हाँ, मैं तो कहता हूँ अगर हमारे पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तानी सिनेमा को हम लोग उसी तरह सपोर्ट करें ना जैसे इंडियंस इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करते हैं, तो वी हैव वे टू मच टैलेंट हियर. वो एग्जांपल देख लें कि फवाद खान का वहाँ जाना और वहाँ जाके वो उनके दरमियान में ही एक्सेल करना. He was looking too good in them. Not just that, आप सिर्फ देखें तो सही, beauty, talent, everything. We have everything, पूरा package है. तो हम लोग why do we wait for our people to go abroad and then? असल में वो वाली बात ना मेरे पापा अक्सर कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. Exactly. तो वो we take our people for granted. सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप. अल्लाह जी शीरी आपकी बारी आ चुकी है. जी जनाब. बताएं अपने बारे में सब कुछ. सब कुछ. अच्छा. मैं मसरत मिसबा की स्टूडेंट हूँ. oh, और nice. साथ में मैंने फैमिलिया से करा है, लेकिन ज़्यादातर मैं करती रही हूँ बैक कैमरा काम, टीवी फैशन शोज इनके मेकअप करती रही हूँ. और दुबई में मैंने काफ़ी काम किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वापस आई और फिर इस दौरान में मैंने काम यहाँ पे कंटिन्यू रखा और इसके दौरान में जितने भी एक्टर फिर मेल एंड फीमेल दोनों का काम करती रही हूँ. अच्छा, बड़ी शॉर्ट स्टोरी कर दी आप. लेकिन आपका जो मेन मतलब आपका समझती है कि जो हमारी आज की पाकिस्तानी खातून है, लेडी लड़की है, आर दे बेटर मेकअप कॉन्शियस देन बिफोर? या को लगता है आपको भी ऐसा लगता ही है? अब वो अपनी ब्यूटी से ज़्यादा वो चाहती हैं कि मोर देन मोर ब्यूटी, हम लोग ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँ. और जहाँ तक देखा जाए तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर लेडीज़ बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती और स्पेशली जो इंटरनेशनल एक्टर वगैरह करते हैं वो यहाँ पे नहीं है. really? और वैसे भी पाकिस्तानी टैलेंट पाकिस्तान में शो नहीं होता जब तक वो बाहर से फेम नहीं मिलता. oh, yes, ये एक ये बहुत बड़ी हकीकत है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही. क्योंकि मैं ना प्रोडक्ट नॉलेज बहुत आगे गए लोगों में. ऐसा ही है. तो इसीलिए एवरीबॉडी इज वेरी वेरी पर्टिकुलर. आई हैव बीन टू अरब कंट्रीज पर, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो अरब ख्वातीन भी बहुत ही क्लासी मेकअप्स करती हैं. वो मेकअप आपको मॉल में नजर आएंगी ब्राइडल मेकअप करके. लेकिन उनके मॉल में भी नजर आ जाती हैं. फीमेल्स आर टैलेंटेड. ये व्हाई डू मेकअप इज एन आर्ट फॉर फीमेल्स, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उनके उनमें टैलेंट होता है. यू जस्ट नीड टू गेट आउट एंड एक्सप्लोर बाय डिफॉल्ट. और अनफॉर्चुनेटली मेकअप को हमारे स्कूल्स वगैरह में इतना डिफिकल्ट कर दिया हुआ है, पर मेकअप इज नॉट दैट डिफिकल्ट. कोई कलर थ्योरीज को फॉलो करें एंड आराम करते रहें. ऐसा ही मेकअप बहुत ईजी है, बस उसको थोड़ा सा बस खेलना आना चाहिए. Oh. और फिर ब्यूटी एक बहुत ज्यादा एक खेलना मेरा ख्याल है और दूसरा कॉन्फिडेंस बस ये चीज है. बिल्कुल ऐसे ऐसे तो मेकअप हर कोई हर लड़की कर लेती है मेकअप, लेकिन वो लुक नहीं निकलती है जो मेकअप आर्टिस्ट निकाल सकता. बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई मेकअप करता है, लेकिन अपनी जो लुक ब्यूटी लेके आती है वो ब्यूटिशियन लेके आती है, वो भी प्रोफेशनल, नॉट प्रोफेशनल. बिल्कुल सही. आप बताइए.
बारे में? मुझे फैशन फोटोग्राफी में वैसे 3 साल हो गए हैं, मैं 3 साल से कर रहा हूँ ये काम। पहले मैंने स्टार्ट लिया था मार्केटिंग ब्रांड्स के, डिफरेंट ब्रांड्स की मैं मार्केटिंग करता था, तो उस टाइम में मैंने अपना स्टूडियो बना लिया था। वैसे मुझे काम तो पहले भी आता था छोटा मोटा, जैसे लाइक दोस्त करते थे उन्हीं को देख देख के मुझे सारा आता गया काम। तो फिर मैंने ये, मुझे एक तो वैसे तो शुरू से क्रेज़ था, मैंने कहा यार इस फैशन फील्ड में मैंने जाना है जो भी चीज़ें होंगे, तो मैंने स्टार्ट लिया यही मार्केटिंग स्टार्ट की मैंने। हर जगह हर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड, छोटा ब्रांड बड़ा ब्रांड मैंने स्टार्ट लिया, ठीक है। वहाँ से जैसे देखा कि यार मुझे ज़्यादा ही वहाँ से अर्निंग आ रही है, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट, वैसे पहले फोटोग्राफर में बुलाता था ना, तो उसके बाद मैंने यही सजेशन लिया, मैंने कहा यार दूसरों से अच्छा है फिर मैं खुद ना कर लिया करूँ। ब्रांड वालों के पास मैं खुद जाता हूँ, हर किसी के साथ मेरे खुद ही कॉन्टैक्ट है, तो अब इससे अच्छा फिर काम मैं अपना खुद ही शुरू कर दूँ। फिर मैंने स्टार्ट लिया, अपना कैमरा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छा लेंस ले लिया, थोड़े थोड़े पैसे से मज़ीद जैसे इकट्ठे करता था मैं, लाइट्स ले ली, फिर धीरे धीरे चलता गया काम। माशाल्लाह मैंने अब मेरा बहुत अच्छा सेटअप हो चुका है, मतलब डी एच ए में मेरा अपना स्टूडियो है, ठीक है। तो डिफरेंट जैसे लॉकडाउन में लोगों के काफ़ी जो जॉब करते हैं प्राइवेट करते हैं, काम वगैरह करते हैं, काफ़ी उनके हालात बड़ा हर किसी के खराब, ब्रांड्स पेमेंट देते अभी तक नहीं हो पा रहे काम ऐसे ही है। तो फिर भी बस ये काम एक सोशल का एक ऐसा है, मतलब हमारा इंडोर पे सिस्टम चलता रहा है, हमारा शूट्स वगैरह वेबसाइट के लिए चलते रहे हैं। बिल्कुल सही है, तो ठीक हो गया बस बाकी चल रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। बाकी फिर एंड हाउ इज ब्लॉगिंग सीन गोइंग ऑन? ब्लॉगिंग सीन मैंने 6 मंथ हो गए मैंने स्टार्ट किया था, तो जो मेरे सब लोगों ने इसी दौर में स्टार्ट किया। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी अच्छी ब्लॉगर थी, तो करती है अभी भी ब्लॉगर है वो, महक आपके पास आ चुकी है। बिल्कुल जी, महक शुएब, महक शुएब। तो उसके बाद यही था कि मैंने उसके साथ ही मतलब देखता था उसका अच्छी एक्टिविटी वो करती थी, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी उसके साथ जाता था ना। हर कोई पूछते थे कि आप कौन है, मैं उनको बताता ना कि मैं ऐसे फोटोग्राफर हूँ। तो एक तो मेरा एक लेवल एक ऐसा है ना कि मैं मतलब ब्लॉगरों के साथ ही बैठ के मतलब किसी के कितने फॉलोअर्स होते हैं, किसी के कितने, मेरे खुद के भी अलग ही काम है, लेकिन ये कि मेरा जो काम है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे है माशाल्लाह। आपको पता है किस तरह ब्लॉग लिखते हैं? तो ये मैंने कहा कि चलो ठीक है जब काम नहीं मिलता तो इसके साथ एक्टिविटी मैं करता हूँ साथ साथ, बस फिर चलता गया इनके साथ। ब्लॉगिंग अकाउंट मैंने बनाया, अकाउंट मैंने अच्छे फॉलोअर्स कुछ खरीदे, कुछ खुद ही मेहनत की, फिर एक दोस्त के साथ मेरी अच्छी खासी हो गई, उसने मेरा अकाउंट पता नहीं उसने हैक किया किसने हैक किया वो बंद हो गया। फिर मैंने हाँ वैसे मेरा तो दूसरा जो पेज है वो तो काम हो रहा है उस पर, तो उस पर फॉलोअर्स हैं अच्छे। जो दूसरा जो मैंने न्यू एक अकाउंट बनाया उसमें कुछ काम है, लेकिन ये है कि एक्टिविटी उसमें चल रही है मेरे। ग्रेट है जी। सहर वापस आ जाओ अपने शहर से, थोड़ा बताओ अपने बारे में। मेरा रिसेंट एक गाना आया है बदमाशियां नाम से ना, अली नक्की का। ओके, यूट्यूब पे। उसमें आपने मॉडलिंग की है? जी जी, उसमें एज अ पार्टी सॉन्ग था, 3 हम लड़कियाँ थी और काफ़ी अच्छा चला है। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा। क्या ये लगता है आपको कि हमारी ये जो मॉडलिंग की दुनिया है ये ज़रा मतलब मुश्किल हो जाती है न्यू कमर्स के लिए? हाँ, थोड़ी सी मुश्किल तो है डेफिनेटली। तो किस तरह इसमें आप अपने आप को इंडल्ज करेंगे? टाइम वगैरह बहुत देना पड़ता है और ये कि खुद को बिल्कुल अपडेट रखना पड़ता है हर वक्त। हाँ सही सही, बिल्कुल ठीक है। और किस आपकी फेवरेट मॉडल्स कौन कौन सी हैं? फेवरेट मॉडल्स बहुत सारी, किस किस का नाम बताऊँ? ये भी ठीक है। और कोई किसी के साथ काम करना चाहती है, किसी मेल मॉडल का कोई नाम जहन में आ रहा हो तो? कलेबरेशन होती हैं अक्सर। मुझे आयशा खान बहुत पसंद है। सही बात है, वो क्लास है ना एक। सही बात है, ऐसे नाम तो होता है क्लास ही होते हैं। सही कह रहे हैं, सही है। अच्छा हम आप पे आते हैं, मुझे बताइए कि दुबई का थोड़ा बताएं, वहाँ के कल्चर का बताइए, वहाँ जो पाकिस्तानी इस वक्त रह रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा जा रहा है और किस तरह का उनका एक दुबई का? आई थिंक ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में, लेकिन बट एवरीबडी हैज़ देयर ओन जोन ऑफ लाइफ, मतलब रूटीन सेट्स होती हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे पता है जब मैं दुबई गई थी तो मेरे लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप यू डोंट ड्राइव एंड यू डोंट नो पीपल। जब ऑब्वियसली माय फैमिली वाज देयर, माय पेरेंट्स वर देयर, एवरीबडी वी शिफ्टेड लाइक एवरीबडी, तो लाइक माय फैमिली माय पेरेंट्स माय सिबलिंग्स हम सब मूव किए थे एक एक महीने के गैप में। बट वैसे सिक्योरिटी लेवल में दुबई इज़
द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू बी, है ना, एक हब है वो एक। कसम से मैं आपको बताऊं, मुझे ना रात को किसी को कॉल भी नहीं करनी पड़ती। ऑब्वियसली हमारी लाइफ ऐसी है कि हमने कभी रात को 5 बजे तक शूट से वापस आना है, कभी 6 बजे आना है, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस भी शूट किए हैं। इंडियन म्यूज़िक भी बहुत शूट की हुई है, बिलाल सईद के साथ भी की हुई है, सरमद कदीर के साथ भी की हुई है। सो आई डिड लॉट ऑफ शूट्स। तो हम लोगों के जो नाइट के शूट्स होते थे उसमें हम लोग कभी 5 बजे फारिग हो रहे हैं, कभी हम अबू धाबी जा रहे हैं, कभी हम सज्जा जा रहे हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं, एंड घर से कॉल भी नहीं आती थी एक दफा भी के। Exactly. यही तो बात है। कभी 3 बजे शूट है, सर घर में सब सो रहे हैं, गाड़ी की चाबी पकड़ी निकल गए। Exactly. मैं कल यही अपने घर बात कर रहा था अपनी वाइफ से कि देखो हम वहाँ पर बच्चों को सुला कर घर पे वी वर गोइंग टू सिनेमा, हम दोनों कैमरा लगा 2 बजे जा रहे हैं फिल्म देखने, और यहाँ तो आई नेवर कैन थिंक ऑफ इट इन माय होल लाइफ। से पाकिस्तान आई हूँ ना, एक तो मेरी मामा इतनी पैरानॉइड है, वो पूरा टाइम पता क्या कर रही थी, पर्स संभालो। मैंने कहा मामा किसी को नहीं भी पता ना, उसने भी फिर उसी पे एम करना है। Exactly. बट बाहर रहते रहते ना आपको 2-3 चीज़ों की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक तो बैक बाइटिंग की, एवरीबडी इज सो बिजी इन देयर ओन लाइफ। वहाँ पे आप समझो कि दुबई की लाइफ का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी कॉस्मेटिक लाइफ। रात को आप बड़े सुकून में सोए, सुबह आप उठे हो तो आपको नहीं पता कि क्या होना है। ऑफिस से कॉल आ सकती है, बस बेटा आज खत्म। जैसे जैसे हम मैं लास्ट ईयर जब पाकिस्तान से गई हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिप था 5 दिन के लिए, जब मैं यहाँ से फ्लाई करके गई हूँ तो कोई कोरोना की आवाज़ नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ पता था कि कोई डिजीज़ है बट कुछ नहीं। 22 को मैं पहुँची हूँ, 25 को दुबई लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन 6 घंटे का था, मतलब 6 घंटे के लिए खुला था दुबई। और फन, थोड़ी देर आपको फ़न लगता है कि अच्छा ये भी हो रहा है। और 1 अप्रैल को 24 आवर्स लॉकडाउन कर दिया। तो ये लॉकडाउन वो वाला मजाक नहीं था जो पाकिस्तान में कोई पार्लर में यहाँ से स्नीक कर जाओ या वहाँ से स्नीक कर जाओ, वो इवन आजकल तो लॉकडाउन में ये हालात थे कि सैलून बंद भी है ना, मेल सैलून, तो वो साइड से खुले हुए, ये क्या था? तो वो ना मतलब वहाँ पे ये था कि 24 आवर्स पुलिस ऑन राउंड है। कोई बाहर मिला 15,000 दिरहम का फाइन। और अभी भी ईद पे हम लोगों का था कि अच्छा गैदरिंग कर लेते हैं, हल्का फुल्का सब मिल लेते हैं, कोई मामा पापा तो है नहीं वहाँ पे, तो समथिंग। तो न्यूज़ में आ गया कि 50,000 दिरहम्स का फाइन होगा अगर किसी के घर पार्टी हो रही है। तो अगर आप होस्ट हैं तो आपको 50,000 दिरहम का फाइन है, और जो लोग अटेंड करने आए हैं उनको 5,000 दिरहम का फाइन। बट मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे रिटेल, पार्टी, क्लब्स, पब्स, स्कूल सब खुला हुआ है। हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम निकलते हैं, मास्क लगाते हैं, जाते हैं, अपना काम करते हैं, 3-3 घंटे मॉल्स में रहते हैं। कोई वहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिकली लोग, हमारे ही पाकिस्तानी जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ चिपके पड़े होते वहाँ पर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। मैं लाहौर एयरपोर्ट एंटर हुई हूँ और मैं परेशान थी कि भाई 5 मिनट वेट कर लो। आप पहले तो प्लेन रुकने से पहले सबने खड़े हो जाना होता है ना, और उसके बाद वहाँ पे प्लेन पे भी जब बैगेज का टाइम आता है, देयर वाज नो सोशल डिस्टेंसिंग। एग्जैक्टली। और फिर जब ये अब मैं घरों में जा रही हूँ तो पीपल आर कीपिंग देयर डिस्टेंस एंड एवरीथिंग, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, ये आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये जगहों के अगर आप बाहर SOPs फॉलो कर रहे हो तो वहाँ भी कर लो SOPs फॉलो। जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में मेकअप आर्टिस्ट की कोई इज्जत नहीं होती, बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑक्यूपेशन है। अगर किसी का बच्चा, आई वुड वांट टू से कि स्पेशली पाकिस्तानी माँ बाप को, कि अगर आपका बच्चा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है या हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है या उसमें ये कीड़ा है कि दे वांट टू डू इट, तो प्लीज़ उनको करने दे। बिल्कुल सही बात। अगर आज से 10 साल पहले मैंने किया होता तो आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। बट बिल्कुल ठीक कहा आपने। आइए कुछ एक आपको म्यूजिकल डोज देते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सिंगर्स टुडे ऑन द शो, तो कुछ हम उसको कमी को पूरा करते हैं हमेशा म्यूजिकल डोजेस से। सो आप लोगों से पहले पूछते हैं कि आप लोगों की चॉइस बताइए, कोई जिसका हम वीडियो प्ले करें आप लोगों के लिए, पाकिस्तानी गाना बताइए, इतने सिंगर्स हैं।
आतिफ से लेके आतिफ असलम है ना ज्यादा मैं आतिफ के हाथ में आते हैं आतिफ ठीक है आतिफ असलम कोई भी प्ले कर दूं कोई भी प्ले चले फिर एनी अभी आपकी चॉइस आनी है आपसे पूछा जाएगा बाद में तो फिलहाल हम इन लोगों की चॉइस पे चलाते हैं आतिफ असलम का अपन का चॉइस का मामला वापस आएंगे तो कुछ गेम्स वगैरह स्टार्ट करते हैं कुछ मजे की लाइट सा माहौल करते हैं फिलहाल आतिफ असलम इन योर फुल कंट्रोल आई वापस आ गए हम वापस और गाना वाकई बहुत मजे का था आतिफ असलम की क्या बात है वैसे तो ही इज द ऑल टाइम फेवरेट सिंगर है ना नंबर वन है वो आगे कुछ गेम्स खेलते हैं आप लोग टीम बी हैं आप लोग टीम ए हैं Petitions in full control. So, अब मुहावरे आप लोगों को आते हैं पाकिस्तानी मुहावरे पता होंगे ना आपको पता होंगे इंशाल्लाह क्यों नहीं पता होंगे अब मैं दिखाऊंगा मुहावरे ये मुकाबला है I'll be showing you five मुहावरास आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और अगली टीम ने गेस करना है कोई भी एक्टिंग कर सकता है आप या आप ठीक है जी क्या बातें कर रही हैं अच्छा अब आप बोले अब बोले बगैर एक्टिंग करेंगी आप करें तो इस दफा आप कर लें चाय नहीं है आटा गुना आटा गुंदी हिलती क्यों है हंडिया बोल दिया इस पर कहते हैं सुपर से बहुत बहुत ऊपर ये जी जी मैं दोबारा करें अच्छा मुझे मजा आ रहा है मैं आई एंजॉय द गेम आप ओके अगेन 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 दिस वन मिक्स करो मिक्स करो वो पूछ रही है मिक्स हांडी रोटी चूल्हे आपने पहला वर्ड बोला है ना वही वही हांडी हांडी बकानी सेवियां नहीं नहीं वो कौन ऐसा मार रहे जो हांडी और सेवियों के साथ है वो ऐसी कर रही है तब हांडी के साथ कौन सा मुहावरा है मशहूर बात है कौन सा हांडी का मुहावरा है एक ही मशहूर है नहीं आ रहा ये क्या होता है हांडी लिखा हुआ है हांडी के बाद हांडी में चले अगर हम कहें कि हांडी नहीं थाली है चले आसान थोड़ा कर देते हैं थाली में क्या जिस नहीं इसी मामले का ना एक और जिस थाली में खाना उसी में छेद करता है इन्होंने गेस कर लिया असल मुहावरा शायद यही था कि यहाँ पे लिखा ही हुआ कोई बात नहीं वो हांडी रोटी चूल्हे पे भी चूल्हे पे भी खाने के बजाय तो पक ही गया था जो मैंने कहा हांडी तो मैंने कहा हांडी चलिए माफ करें आसान है वैसे ये बहुत इजी है ये क्या दिखा रही है आपको पांच पांचों उंगलियां एक बराबर ये तो फिर आपको सब कहना चाहिए था आपकी माए क्या कहती है चलें अब आप कीजिएगा ये भी इजी है वैसे मुश्किल नहीं कैसे ऐसे और ऐसे और ऐसे शहर की मजेदार बातें आने वाली है कुछ सामने देखो नहीं 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 आप बताएं आप जा रही हैं ढोल ढमका कर रही हैं म्यूजिक सुन रही हैं हमरे सोचो म्यूजिक सुन हमरे सोचो शहर को बताएं आप तो कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे ना आपने तो मुहावरे नहीं मुहावरे इसी से थोड़ा मिलता जुलता है मुझे तो ढोल वाला पार्ट चाहिए था गला नहीं बोला ना ढोल बजाते जाओ बिलाल आज काफी कॉन्शियस दूर जा रहे हैं ढोल बजाते नहीं आ रहा इसको आएगा आप करें अब बस कम टाइम मैंने कभी सुना हुआ शायद हाँ जी ये तो हर वक्त होता है दूर के ढोल सुहाने ढोल की तो मैंने भी बात की थी वैसे ढोल के आगे भी जाना था कोई बात नहीं अभी आप करेंगे ओहो बहुत इजी यार आप अरे देखो बड़ी मेहनत की है मुश्किल है ये तो मुश्किल है चलिए खैर ये भी आप करके दिखाएं दोबारा ये पहले पहला वर्ड ये है ढोल
पैर, जूती, मेरी जूती को नहीं फर्क पड़ता। नहीं नहीं क्या कहती गिरी नहीं फर्क पड़ता। नहीं देखिए ये क्या है, टांग, लात, लात तो अब आगे नहीं बताना बस। हाँ लात मारना आपने बुला दिया था शायद आंसर। हाँ क्या था, अरे बोला था, क्या बोला था अभी आपने बोला था, लातों तालियां बजाओ। नहीं बस चुप करके देखना ठीक है, बोला बाद में, बोलना बोला करो, बोलो ये क्या होता है, तालियां बजा रही है। हाँ माफी, ये क्या ताली है, खांसी नहीं बचती। ओह माय गॉड, ये दोनों टीम्स अच्छी जा रही हैं। अच्छा, मैं और मजेदार जा रही हैं। ये करोला आपकी हुई। ओहो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक जानवर के बारे में आइए, ठीक है, पानी पीना प्लीज पी लीजिए, थोड़ा एक्ट करना मुश्किल है। तो बताइए आप करें कुछ हेल्प करें, आप करें, मैं मुहावरे ना बहुत करूं, एंजॉय करें, मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों को देख देख के, मुझे मजा आ रहा है इसका देख के। कोशिश तो करो जाहिद, मुझे नहीं आता, आप करें। ओ यार ये बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा दोबारा करो ना, दोबारा करो, मक्की मक्की पे एक जानवर है, जानवर 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 पे मारते किससे हैं, लाठी लाठी लाठी, अब आप पाना चाहिए जिसकी लाठी उसकी पैस, आप बोल गए सकते हैं, एक नाम हो ना वो एक हिंट मिल जाए तो फिर आप लोग गेस कर लेते हैं। हम तो प्रो हो गए इस गेम पे। चले अब लास्ट में आ गया आप लोगों का, ये आसान है, बहुत अच्छा है और ये एक्टिंग के लिए अच्छा है, ये करेंगे करें आप, फिर आप दोबारा से, पहला लफ्ज़ क्या है, चार दिन, हाँ चार दिन की चांदी बाकी, फिर काली अंधेरी रात, वैसे जहर आप मुहावरों में अच्छी नहीं कहती है, अपने कपड़ों को दिखा के अंधेरी रात, लेकिन आप आ गए अंधेरी रात में, वो अपने कपड़े दिखा रहे हैं अंधेरी रात काली, लेडीज को टाइम मिलता है ना घर में बैठ बैठ के, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा हमारा देखिए ये टाइम वाली बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग ठीक है ओके, आप लोग फिर भी मतलब कि घर होती है ना मुहावरों का क्या ताल्लुक है घर से, छोटा मुंह बड़ी बात, फ्री टाइम हम सारा दिन बाहर काम करने, छोटा मुंह बड़ी बात। ओह वाओ दोनों टीम्स के बराबर हो गए हैं, फुल फुल मैं हार गया, नहीं दोनों टीम, अब दोनों आप साथ ही थे ना, नहीं जी हम हमारी टीम थी, ये तो कुछ बोले, सो वेल डन गाइस, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अब मुझे बताएं कि आप लोगों के कुछ खानों की बातें करते हैं, फेवरेट फूड कौन कौन से, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, खाती हैं शौक से, आर यू डाइट कॉन्शियस, नथिंग, नहीं, नो, ओके, मैं पाई खाती हूँ, मैं निहारी खाती हूँ, ओह माय गॉड, मैं हर चीज खाती हूँ जो लाहौर में भी स्पेशल है, और फास्ट फूड भी खाती हूँ और देसी खाना, जैसे आपका नाम मीठा है शीरीन, मीठा भी खाती हैं, हाँ जी लबे शीरी खाती हैं, हाँ बिल्कुल खाती हूँ, लबे शीरी, और रस मलाई खाती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ, एवरीथिंग, मैं कोई डाइट क्वेश्चंस नहीं, और आप बताइए, हाँ अरब कंट्रीज का बताइए, वहाँ का आप फेवरेट चीज़ क्या है वहाँ की डिश, मुझे दुबई में सबसे ज़्यादा मंदी पसंद, मंदी तो जान है ना वो, लेकिन दे डोंट नो कि बिरयानी और मंदी में वो है ना बहुत फर्क है, उनको लगता नहीं, उनको लगता कि बिरयानी वही मेवा डाल दो तो बिरयानी बन जाती है, वो डिफरेंट जगह है ना, मंदी में, और हाँ जी मंदी, लेकिन मंदी अगर अच्छी बनी हो तो लव, आप आएगा ना मैं आपको खिलाऊंगा जरूर, इंशाल्लाह डेफिनेटली मिलूंगा मैं आपसे, बहुत जल्दी जाना है, हां जरूरी है, कोरोना खत्म होगा तो इंशाल्लाह, लगा जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब अच्छी वाइब्स आ रही है बिकॉज़ ऑफ द वैक्सीन थिंग ना, थिंग्स आर गेटिंग नाउ कंट्रोल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली, और क्या खाती हैं, वैसे आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ पाकिस्तानी फूड, हलीम, निहारी, पाए वगैरह, but I'm not same. burger but I don't like burgers, pizzas, yeah exactly, wo wala nahi, not my domain too, but I don't if you give me an option to main dal chawal khana zyada prefer karungi over a pizza, achar ke sath,
अचार के बगैर तो बिल्कुल गरम और चावलों में से वो अगर मामा ने बना दिया हो तो उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। उससे ममता भी शामिल हो जाती है, उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही। दाल चावल हो और अचार ना हो ये तो बहुत मजा ही नहीं आता। आप बताओ क्या खाते हो? बिरयानी बहुत शौक है। बिरयानी घर की बनी हुई? मैं सब्जियों की बिरयानी अच्छी लगती है मुझे। आई लव इट। मुझे भी तो आजकल ट्रेंड आ गया बीफ पुलाव का, काफी ट्रेंड आया हुआ है। हां ऐसे ही है मुझे, लेकिन बाहर की ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा हमारे घर में इतना मजे का खाना बनता है कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल। हमारी मेरी भाभी फिलिपिनो है, मेरे ब्रदर, मेरे फादर, मेरी मदर बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, मेरे भाई वगैरह। और हमारे घर में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग और इतने मजे के इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक है ना, मदद हो गया। और यहाँ पर आपको बता देंगे जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और दो प्लान्स क्या है आगे, किस तरह चलना है करियर में? बस जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से अभी फिलहाल चलेंगे ना। एक बात है, आपको अपने गोल्स को हाई करना पड़ेगा। ऐसे ही है, जितना हाई सोचोगे ना उतना अचीव करोगे। क्या आप मैनिफेस्ट करते हो ना? हाँ, आप एज लॉन्ग एज यू डोंट मैनिफेस्ट, हम ये चीज सोचते ना कि आगे जो आने वाला दौर कैसा आएगा उसी को ही हम वो करते रहते हैं। दौर पे तो आपका कंट्रोल नहीं है ना, दौर पे आपका कंट्रोल नहीं है, कोरोना पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके इमेजिनेशन पे तो है ना। अगर आप 10,000 अपने दिमाग में टारगेट करेंगे आप वो ही अचीव करेंगे। अगर आप ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे वो करेंगे। सो ऑलवेज मैनिफेस्ट बेटर से भी ज्यादा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। हमने सोचना है, हमने आगे जाना और देने वाले सारे वही अपनी है जो देख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। मिलेंगे आपसे आपको ताकत है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। यहाँ जाएंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते, वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमें हमारे एक जबरदस्त डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हैं और हमसे उनसे बहुत सी मालूमात लेंगे कोविड वैक्सीन के बारे में भी, और आजकल के जो हमारे यहाँ फार्मेसी के लिहाज से दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो उस पर क्या बात करेंगे, सब उनसे जानेंगे। फिलहाल छोटी सी ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। एंड वी आर बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, और बड़ा अच्छा साथ रहा हमारा जाहिद के साथ। जाहिद से ये थोड़ा सा कि जाहिद को थोड़ा सा और होना पड़ेगा अपने गोल्स को लेके ज़्यादा अचीवेबल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पता क्या ये ज़रूरी है। बिल्कुल, वरना अगर आप हर चीज़ छोड़ दोगे ना हाँ हो जाएगा वो मज़ा नहीं आता, तो उसका नहीं होना चाहिए। आपने सही गाइड किया उनको कि ऐसा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। राइट नाउ वी हैव अ डॉक्टर विद अस, और वो डॉक्टर भी हैं फार्मेसी के, और फार्मेसी जो है ना उसका रोल आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जब कोरोना जो है वो हर तरफ और आपको वैक्सीन लगानी पड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये मैग्नेट क्या लग रहा है, लगवाएं कि ना लगवाएं, क्या हो रहा है, सब कुछ जानना है ना। तो लेट्स गो टू आवर वेरी ओन आवर बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर मनान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। कैसा रहा सफ़र आपका? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा रहा। सो हाउ इज़ लाइफ? ज़बरदस्त। लेकिन ये बताओ थोड़ा, पहले बताओ अपने बारे में बताओ मनान, कि वाई यू चूज़ फार्मेसी? फार्मेसी मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, मतलब शुरू से था। तो उसके बाद ये आर्मी मूल से मैंने किया डिग्री, ठीक है ठीक है। उसके बाद सेंटर पार्क मेडिकल कॉलेज से किया, फिर वहाँ से जॉब किए, फिर UHS यूनिवर्सिटी में रहा हूँ थोड़ी देर, उसके बाद अपनी बना ली फार्मेसी, अपना क्लिनिक, अपनी फार्मेसी, नो जॉब, ठीक है। तो अब बताओ कि कोविड के बारे में थोड़ा बताइए मुझे कि कोविड वैक्सीन जो है क्या इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है इसके? हाँ, कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि नहीं लगवाएं, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, हमने लगवाई है, कोई मसला नहीं आ रहा, और लाजमी लगवाएं। यही कहूँगा, ये भी कहते हैं कि जब वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके हफ्ते तक बॉडी की इम्यूनिटी जो है ना वो थोड़ी और कम हो जाती है, बिल्कुल। और उसमें अगर आपको पहले कोरोना नहीं हुआ तो होने का चांस ज्यादा हो सकता है, ये आप एहतियात करने के लिए, बिल्कुल है ना। लेकिन बहुत तरह की वैसे मतलब है अवेलेबल, तो बेस्ट वैक्सीन कोई? ये सारी ठीक है? नहीं नहीं सारी ठीक है। मैं कहूँगा कि फाइजर की लें,
फाइजर इज द बेस्ट है ना, बेस्ट कंपनी, लेकिन स्पुटनिक भी तो अच्छा है। हां वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा है। हां हर एक अपना अपना चल रहा है, लेकिन जो आम यूज हो रही है ना, जाहिर है वो फाइनोफॉर्म तो बेस्ट है, मुतजा बेस्ट है, जबरदस्त है, क्योंकि हर एक अपना अपना चल रहा है ना वहां पर, लेकिन सबके ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दी। हां अमेरिका में अब नया उन्होंने कहा की जिन्होंने कुछ मेरी कौन सा लगवाया तो उन्होंने कहा इसके बाद आप मास्क उतार सकते हैं, तो लोग काफी अब थोड़ी देर से बाद ये हो जाएगा, वंस यू वैक्सीनेटेड दे लेट यू। हां जब हो जाएगा फिर मास्क उतर जाएंगे। सही ग्रेजुएटी, बिल्कुल ठीक है। तो आइए जनाब अब आ गए हैं आप, तो कुछ और गेम्स शुरू हो जाए। गेम्स यहाँ बहुत होती हैं, पता है आपको, गेम्स बहुत ज़रूरी हैं एंड वी नीड टू प्ले देम, राइट। सो अब आ जाएगी कुछ मुश्किल गेम की, सहर अब आसान नहीं होगा। अब है सहर गेम एंजॉय करती है। अब ट्रू एंड फॉल्स हैं, हम कुछ लाइंस बोलेंगे आपके सामने और आप लोगों ने बताना है कि ये सही है या गलत है। ये आपका इंडिविजुअल होगा, उस तरह टीम्स नहीं होंगी, ठीक है। और वो लाइंस मुश्किल ही होंगी, अब आपको तुक्का मारना पड़ेगा उसमें, ठीक है। इस बार यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चले, देर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड, ट्रू या फॉल्स, सोच के बताओ। इंग्लैंड में पॉइजनस स्नेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, फॉल्स। ओ यस, वहाँ पॉइजनस स्नेक्स नहीं होते, स्नेक्स होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। वेल डन बॉय, वेल डन, क्या बात है। अच्छा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, बहुत आसान ये है, डॉग्स हैव फोर लेग्स। यस ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। देखिए अगर वो लंगड़ा ना हो तो बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, रैबिट्स ईट मीट, फॉल्स और ट्रू? यस, ओह माय गॉड, आई टू लाइक लोग आ गए। सारे लाइक लोग हैं यहाँ पर आज, नाइस नाइस। अच्छा चले, थोड़ा मुश्किल निकालो फिर, कोशिश कर लेते हैं। अच्छा जनाब, गॉर्डन ब्राउन एक रग्बी प्लेयर है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, अब बोल बच्चे, ट्रू के फॉल्स, सुपर से ऊपर सोच के जवाब दो। आई थिंक इट्स फॉल्स। आप अपनी राय लें, ट्रू, वो उनकी राय। सर दोबारा गेम, गॉर्डन ब्राउन एक रग्बी प्लेयर हैं, ठीक है, ब्लाइंड इन वन आई, ट्रू फॉल्स? हाँ फॉल्स, ट्रू था ये, क्या हो गया आपको? बड़ा मशहूर है, मैंने खुद ही वो नहीं किया, आपने ना करें, ठीक है। अच्छा आपको मुश्किल आ गया सहर, नियाग्रा फॉल्स जो हैं, दे आर द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ये सही है या गलत? नहीं, अब आ चुकी है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स, अच्छा वेनेजुएला जी जो है वो अब टॉप पे आ गई है, लेकिन नया अब कुछ आ गया, अब आप पे आते हैं, मतलब नियाग्रा फॉल्स वर द हाईएस्ट। हां वही था कि अब चेंज हो गया। अच्छा जी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है, इट्स रिटन बाय शेक्सपियर, सोच के जवाब देना शिरीन। सच है, सोचिए, जिन्होंने काफी हद तक सही जवाब दे दी है, सो आई एम हैप्पी, गलती हुई है बस, बाकी सब सही था, है ना, परफेक्ट हो गया। तो चलो चलते हैं जनाब, एक और गेम स्टार्ट करते हैं, दिस फॉर दैट, आपके दो ऑप्शंस लेंगे, एक सवाल पूछेंगे, एक बताना है आपको उसमें से, ठीक है। सो आपसे स्टार्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके नाइस, फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट जरूरी है, हाँ सही कह रहे हैं। टोस्ट और एग्स?
ओके कार्डियो और वेट्स वेट्स ओके नाइस आईओएस या एंड्रॉइड ओके आईओएस ऑलवेज है ना हाई टेक या लो टेक लो टेक हो ठीक है बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग रियली नाइस क्या बात है महविश हयात या मायरा खान मायरा खान ठीक हो गया जबरदस्त है फवाद खान या हुमायूं सईद रियली ओ माय गॉड हुमायूं सईद की पर्सनालिटी है भाई हां जब वो बोलते हैं और क्या स्टाइल है क्या बात है अगर पर्सनालिटी वाइज बोलो तो हुमायूं सईद लेकिन अगर लुक वाइज के देवन को सही है जबरदस्त इसमें आतिफ या राहत आतिफ क्या बात है नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर नाइस कार आगे चलते हैं स्नीकर्स या सैंडल्स सैंडल्स हैं यहाँ सैंडल्स ग्लासेस या कॉन्टैक्ट ग्लासेस ओके ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन अ स्टोर हाँ जी ऑनलाइन बिल ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है डन पैसेंजर और ड्राइवर ड्राइवर टैबलेट या कंप्यूटर टैबलेट ओके इन अ पार्टनर क्या इम्पोर्टेंट है इंटेलिजेंस या फनीनेस बोथ ना बहुत लोग बोथ जवाब देते हैं इसका बोरिंग हो जाए ना एग्जैक्टली सही है ब्लू और रेड रेड ओके मनी और फ्री टाइम रियली पैसा बोलता है लड़की पैसा बहुत जरूरी है मैं कहती हूं फ्री टाइम भी होना बहुत ही मुश्किल से टाइम मिलता है मैं कहती हूं बहुत लेकिन जितने फ्री टाइम में मुश्किल से टाइम निकल रहा हां पैसे के बगैर लाइफ नहीं है पैसे मिल जाएंगे तो फ्री टाइम भी मिल जाएगा यही हकीकत है मनी फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं ना मतलब विदाउट एनी रीजन या फिर मैं कहती हूं कि एनी कॉस्ट मैं कहती कभी भी टाइम बहुत मुश्किल होता है घर वालों को टाइम देना फैमिली को टाइम देना फ्रेंड्स का यही सारा इशू होता है कि आप मिलते ही नहीं हो आप टाइम नहीं देती हो आती नहीं हो लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं जब आप पैसा कमा लोगे ना फिर सभी कुछ चीजों का टाइम निकल आएगा हम सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं और हम टाइम नहीं दे पाते मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्ट्रगल करते ही है ना तो लेकिन टाइम नहीं दे पाते अपनी फैमिली को और फिर उनका यही इशू रहता है स्ट्रगल इज वर्थ इट ट्रस्ट मी पहले स्ट्रगल है फिर टाइम ही टाइम है बिल्कुल सही कह रहे हैं जबरदस्त हो गया अच्छा जी आगे चलते हैं रिसीविंग में ईमेल या लेटर आई थिंक सो लेटर बहुत बेचारा बहुत बेचारा पुराना हो गया वापस आना चाहिए लेटर ईमेल तो आ ही रहे हैं अब लेटर तो कोई भूल ही गया सही है जबरदस्त सेव और स्पेंड बोथ रियली ठीक हो गया स्पेंड का मूड हो तो स्पेंड करो सेव का हो तो सेव करो कॉफी और टी कॉफी ओके मूवी या होम पे मूवी या थिएटर मूवी होम पे अच्छा घर पे देखती हैं आप नाइस और लास्ट रह गए जी ओशंस और माउंटेंस माउंटेंस पे जाना अच्छा लगता है ब्लाइंड्स और कर्टन कर्टन्स ओके ट्रेन और प्लेन प्लेन ओके मीट और वेजीज मीट ओके नाइस एंड हॉरर और कॉमेडी मूवी वैसे तो आई बिलीव दैट हर जगह का अपना ट्रेंड होता है टाइम पे डिपेंड करता है बट अभी फिलहाल समर स्प्रिंग कलर्स वो जो ब्राइटर कलर्स डीप शेड्स ऑन द आईज लाइटर लिप्स शार्प कंटूर्स ब्लश इसे एप्पल ऑफ द चीक से हट के एप्पल ऑफ द चीक से हट के साइड्स कंटूर एरियाज पे चला गया है आई लिफ्टिंग पे चला गया है सो यू नो एवरी टाइम दिस वो फेस शेपिंग चेंज हो गई है सो अभी हर अब तो हर दो महीने बाद ट्रेंड्स चेंज होते हैं हाँ सही कह रही है मतलब यू अब मैं भी ये कह के जाऊंगी तो परसों कुछ और हो रहा होगा एंड हर एवरी प्लेस लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अभी भी वही वाले ट्रेंड्स हैं साइड पे डार्क किया काला किया अंदर ग्लिटर लगाई वो किया और वो दुबई में आप दुल्हन तैयार कर रहे होगे उसको पता होगा मैंने येलो करानी है नहीं आज तो मैं ब्राउन स्मोकी कराऊंगी आज मैं येलो कराऊंगी आज मैं ये कराऊंगी यहाँ पे वो कहते हैं ब्राइट को बैठो हम करेंगे वहाँ पे ऐसे नहीं होता दे टेल योर प्रेफरेंसेस दे सी योर प्रोडक्ट्स इनको इतनी प्रोडक्ट नॉलेज है उनको इतना ज़्यादा पता है हर ब्रांड के बारे में हर चीज़ के बारे में
कि अगर शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये होने लग जाए ना तो मेकअप आर्टिस्ट की हवा निकल जाए। एग्जैक्टली इसमें यहाँ क्या ट्रेंड है बताइए? यहाँ पे वही जो इन्होंने बताया सिंपल चल रहा है, लेकिन हर एक बंदे की अपनी अपनी च्वाइस है। कोई डार्क चाहता है, कोई सॉफ्ट चाहता है, हर एक का अपना फैशन है। कोई नहीं मानता कि यार ये आपकी फेस पे आपकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा है कि नहीं, हमें तो ये वाला चाहिए, हमें तो वो चाहिए। जब दुबई में ये होता है कि यार ये कलर हमें चाहिए, ये कॉम्बिनेशन चाहिए, ये हमारा वाइट ड्रेस है, ये हमारा ग्रीन ड्रेस है, इसमें ये चाहिए, ये प्रोडक्ट है, और आई तक वो बताती हैं कि हमें ये वाली आई चाहिए। और वो जो ट्रेंड था कि गोरा बनने का शौक, वो अभी पाकिस्तान में नहीं बहुत है ना, है। वहाँ नहीं है। दुबई में नहीं, वो लोग ले आते हैं आजकल ना तो अनफॉर्चुनेटली इंस्टा फिनिश वाली पिक्चर्स लेकर आते हैं जिसके ऊपर 200 फिल्टर्स लगे होते हैं, वो लाके कहते हैं जी ऐसा बना दें, ऐसा भाई अपने आप को देखें। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे कि सहर बैठी है सामने, इन पे कैसा मेकअप सूट करेगा? शहर पे तो बहुत मेकअप सूट करेगा, इवन स्मोकी आईज और डार्क लिप्स, इवन अगर हम इनके साथ क्रिएटिव मेकअप करें ना वो भी बहुत सूट करेगी। मैं तो चाहता हूं कि मेकअप इनका हो और गम ट्रांसफॉर्म करें कुछ और नया रूप। देखिए ना इनकी प्रॉपर जॉ लाइन है, दो दिन मॉडल लगा के ना स्ट्रक्चर, आंखें इनकी ऑलरेडी लिफ्टेड हैं, तो बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा मेकअप आएगा उनसे, जबरदस्त है। ये है इतनी प्यारी। क्या बात है जनाब, बातें बड़ी मजे की हो रही हैं। और अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द वक्फा ऑफ द डे, क्योंकि जाहिर है पहला चंक खत्म हो गया, ब्रेक का टाइम आ चुका है। मिलेंगे आपसे अगले हाफ में, बहुत सारी और बातें करनी हैं। डोंट फॉरगेट अवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए कि हमारे साथ हैं। DREJAZWARIS मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ पर आइए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको शो कैसा लग रहा है आज का। फिलहाल जाते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस और वी आर बैक इन द सेकंड चंक एंड गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ। हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ। अब फिर आप दोनों को हम टीम्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज टीम ए है टीम बी है। आपको सॉटी का टाइम आ गया है। आपको सॉटी के रूल्स ये हैं गेम्स प्लेयर्स के, आपको हम दिखाएंगे एक शक्ल पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की, मैं एक हिंट दूंगा उसके बारे में, और ये दूसरी टीम जो है ये तीन सवाल करेगी आपसे उस सेलिब्रिटी के बारे में। वो सवाल हाँ या ना वाले सिर्फ हो सकते हैं, ये नहीं पूछ सकती आपके उनकी फिल्म का नाम बताएं, नो। आप पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने इस फिल्म में काम किया है, क्या उन्होंने बॉलीवुड में काम किया था, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन बड़े फेमस सेलिब्रिटी होंगे, आप इजीली गेस कर पाएंगे। पहले हम इनको दिखाते हैं, ठीक है, डन। तो अब हमने दिखा दिया इनको, अब आप तीन सवाल करें। पहला सवाल, एक लड़की है, पहले सुन लें, एक लड़की है जो फिल्मों की सुपरस्टार है, बस आगे चलें। उन्होंने मॉडलिंग की है? की है, लेकिन उसने प्रॉपर मॉडलिंग नहीं की है। शॉपिंग में नाम है उनका, बहुत ठीक ठाक। और ड्रामा में भी आई है डेफिनेटली, ड्रामा में काम किया है लेकिन जरा कम काम नहीं, बट वो आप समझो कि उनका एरा जो था मेन मूवीज ही थी। हाँ मूवीज ही थी बिल्कुल। अब जरा वो थोड़ी बड़ी एज की भी हो गई है, लेकिन वो कहती है कि मैं उतनी की हूँ मेरे से छोटी। हाँ जी, ओह माय गॉड, क्या बात है, जबरदस्त। इसका जवाब था मीरा जी, स्माइली मीरा जी। और अब हम चलते हैं इनकी जानिब, पाकिस्तानी मेल सिंगर और सुपरस्टार्स में आते हैं, एक मुस्तनद सिंगर के तौर पे, मुस्तनद नाम, ठीक है ना। इन्हें अभी रमजान में कोई नात पढ़ी है? नहीं नहीं वो नाम है एक मुस्तनद सिंगिंग के तौर पे आते हैं, मतलब सीखी हुई आवाज, ये वो नहीं है कमर्शियल, अगर आप कमर्शियल भी हैं वैसे तो, लेकिन ज्यादातर क्लासेस की आवाज है। नहीं नहीं, आराम से। हॉलीवुड में काम किया? हॉलीवुड में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ सिंगिंग। हाँ उन्होंने हॉलीवुड में एक वीडियो बनाई थी, सही कह रहे हैं डायरेक्टर साहब, यू आर राइट। हॉलीवुड में बनाई थी एक वीडियो, लेकिन वैसे और कुछ मजेदार सवाल करें आप। कोई सिंगर्स के बारे में तो कोई खास पता नहीं है,
एक मैं हिंट दे दूँ उनको, आप ज्यादा सेटिंग दे दे दे। पहले दुबई में रहते हैं वो, अदनान से मिखा नहीं नहीं ठहरे अभी, वो हमारे हम उनको अपने अच्छे अलग कर चुके हैं, पाकिस्तान से खत्म हो चुके हैं, दुबई रहते थे, अब उन्होंने नया घर बनाया लाहौर में अभी रिसेंटली। राहत तो बस बड़ी उम्र थोड़ी कर लें, बड़ी उम्र अब लास्ट चॉइस। दुबई में कौन रहते थे? भुलाया दिल बात दिल लगा गाना याद नहीं आ रहा मुझे, नहीं पता। मैं एक गाना बोलूंगा आपको याद आ जाएगा, बता दूं मशहूर गाना गाते हैं तो सॉरी बोतन का नहीं 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 हर जुल्म तेरा याद है सजादा भूला तो नहीं मुझे कोई का पूछे अब इनको देते हैं सिंगर इस दफा क्या याद करेंगे ये लोग भी अच्छा आपको एक्ट्रेस देंगे ठीक है इनका नाम पहले आप मुझे बताएंगे हाँ सिंगर पाकिस्तानी नहीं नहीं पाकिस्तानी सुनो लड़की है लड़की हम बहुत क्यूरियस लोग हैं, हम कह रहे हम पता नहीं पाकिस्तान में काम किया है पता नहीं नहीं पाकिस्तान में क्या मतलब बॉलीवुड में काम नहीं किया बॉलीवुड में नहीं किया नहीं पाकिस्तान ये अच्छा सवाल किया आपने बॉलीवुड में काम नहीं किया किसी टीवी शो में काम किया टीवी शो में तो वो बहुत आती हैं हर मॉर्निंग शो की वो जान होती हैं ईद शो में वो आती हैं अच्छा बहुत कॉमन है वो गेस्ट यहाँ भी आई नहीं ठहर जाए एक मिनट उसी टाइप अच्छा नहीं और अभी यहाँ भी आई थी ईद शो पे एक और हिंट अभी नहीं आप कहाँ जा रहे हैं आपको मशहूर सुनाएंगे ना जिसको सब जानते हो तीसरा सवाल करें लास्ट उन्होंने एक पॉइंट लूज कर दिया था मतलब आप लोगों ने लूज ही किया मैंने हिंट दी थी कब बड़ी अब आपका वो लूज वाला पॉइंट लेता है ये वाला कम एज की है या ज्यादा एज की ज्यादा दरमियानी एज की बहुत ज्यादा है बहुत ना बूढ़ी है ना बहुत ना बहुत न्यू कमर है कोई हिंट दे ऐसे तो पता चलेगा गाना दे दूं फिर आपको क्या भी वही हाल होगा जो हमारा पॉइंट चला गया ये गाने के बाद में आपको गर्ल सुन ढोल लेना कोई बात नहीं अब तो गलत हो ही गया क्या कर सकते हैं और अब आखिरी जो है ना वो इनके लिए आपके लिए यानी गारा आपकी एक्ट्रेस दे रहा हूँ पता है ना इनका क्या हो गया आप लोगों को बच्चे हैं उम्मीद के ऊपर नहीं आता आता है ना नहीं आ रही आपको मुझे भी दिखाई दे रहा है पानी आ रहा है इनको सुन ले इनको ये नहीं आ रही थी ओ ओ नाम नहीं याद आ रहा फेमस है ये शी इज माय फेवरेट ये इनका फेलियर है आई मीन मतलब हमारा इनका फेलियर रीमा जी का तो इनको लोग नहीं जा रहे बच्चे आजकल के इतना बोलना फेलियर हो गया ना इसलिए हां पुरानी पिक्चर चले हम फिर इनको देते हैं कोई आजकल के दौर की लड़की पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस आप सुपरस्टार मींस टॉप थ्री में इजीली फिट हो जाती हैं सिंगर भी है एक्टर भी है नहीं सिंगर तो बन गई अब आप क्यों बता रहे हैं इतना हमको सिंगर भी एक्टर भी है मॉडल भी है मेन देखिए मेन एक्ट्रेस है वो मेन मेन ड्रामा फिल्म बोथ मैं भी शायद पहला ही जवाब आया विदाउट एनी क्वेश्चन मैंने उनका काम बहुत किया चलिए एक लास्ट और कर लें अपनी अच्छी गेम चल रही है तो एक लास्ट और कर लेते फिर हम लो अब ये भी ना आए तो फिर तो पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस सुपरस्टार ड्रामा फिल्म बोथ आयशा खान जवाब गलत हो जाएगा जवाब पहले सवाल करो सवाल पूछो बॉलीवुड में काम किया यस मॉडल भी हैं ड्रामे बहुत हिट गए हैं उनके तीनों सवाल हो गए इनके तीनों हो गए दिल्ली कर आयशा खान लड़की मैंने पहले आइडिया दे भी दिया था स्टार्टिंग में सुपरस्टार सुपरस्टार आप मूवी की अब लास्ट रह गया आपका ऑप्शन आपने चीख मारी देख के है ना देख के चीख मारने वाले हैं मैंने बोल भी दिया हुआ है ये देख के चीख मारने वाले हैं नहीं आ रहा नहीं आ रहा थोड़ा सा हिंट तो दे हिंट ही दे दिए सुपरस्टार मायरा खान
अब yes, मैं दिखा दिया था यार मारा का सुपरस्टार मूवी मेरे दिन नाम दिन में नहीं आ रहा सुपरस्टार में वो आई थी। चलें अब लास्ट रैंक यहां पता चल गया था मुझे पता है ना इसका पाकिस्तानी मेल सुपरस्टार एक्टर फिल्म टीवी बोथ अब लास्ट है ये फिल्म टीवी बोथ ओके आई थिंक सो हुमायूं सईद नो हमने सवाल पूछे जवान जवान व्हाट एज ग्रुप डज ही फॉलो यंगर में यंगर नहीं है अब मिडिल में ले आए अब बड़ा हो गया है बड़ा हो गया पाकिस्तान में कोई बड़ा नहीं होता लेकिन मतलब अब देखिए वो नहीं रही टीन बॉय नहीं बॉयश बट ये टॉप टॉप टीम आते हैं क्या सुपर टॉप नंबर 1 भी कह लें चाहे मेरी तरफ से आपने क्या नाम लिया था हुमायूं अब आपके लास्ट ऑप्शन अब सवाल किया आपने और कोई बॉलीवुड कर चुकी है ना आप सवाल बॉलीवुड नहीं मैंने कुछ भी नहीं पूछा आप बॉलीवुड में काम किए ऑब्वियसली किया है इतना और का क्या आपको तंग करना वो तो बड़ा मशहूर थे तो एक दोनों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है हमारे बड़े लिमिटेड लोगों ने बॉलीवुड में काम किया तो हम उसमें से पिक एंड चूज कर लेते हैं सही बात है अच्छा मुझे बताएं कि अब क्या क्या प्लान्स हैं सर आपसे स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह आपकी देखिए यू आर कॉन्फिडेंट थोड़ी सी ग्रूमिंग होगी ना और परफेक्ट पैकेज है ना क्या कहते हैं आप लोग सो थोड़ा बताओ क्या करना है आगे एक्टिंग का प्लान है बिल्कुल ठीक है जबरदस्त बस ठीक है आपके प्लान्स के लिए ऑल द बेस्ट कोई पैगाम देंगे आप अपने देखने वालों को बस मुझे दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह रखेंगे याद दवा आपने करनी है दवाएं हम करेंगे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आप आए कोई पैगाम और प्लान्स बताइए पहले अपना स्टोर तो रन कर रहे हो आप हाँ बिल्कुल प्लान यही है कि अपनी फिटनेस पे फोकस करें फास्ट फूड बिल्कुल बंद करें फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एक्सरसाइज करें अच्छी खाएं अच्छी चीज़ें खाएं इंजॉय लाइफ करें जबरदस्त थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप आई बहुत अच्छा लगा अच्छी अच्छी बातें हुई सो कोई पैगाम और प्लान्स क्या है आप आगे शीरीन डेफिनेटली नाम अच्छा आपका शीरीन ज़ाहिर है प्लान तो यही है कि बहुत आगे तक जाना है और कुछ बनना है एक अचीवमेंट है प्लान के हमने कुछ करना है ऑल ऑफ द वर्ल्ड नथिंग द जस्ट पाकिस्तान पूरे मुल्क में काम करना है और अपना एक पहचान तो पहले ही है अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम भी है अब उसको और लेवल पे लेके जाना है ये मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला इसको अचीव करना है इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर कमिंग अप आप हमारे साथ थोड़ा और साथ देंगी कुछ देर के लिए अब हम लेते हैं सेगमेंट अब उनकी चॉइस का मामला है आप बताइए क्या गाना प्ले करें आपके लिए हमें सुना दें पाकिस्तानी सिंगर का सजाद अली का ओह यार रावी चलाऊं मैं आपके लिए ओके रावी सुनते हैं देखते हैं इट्स ऑल शॉट ऑन आई थिंक बर्थ दुबई पे शूट हुआ है बड़ा मजे का गाना है वापस आएंगे गाना और ब्रेक के बाद तो हमें तीन नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे साथ रहा कीजिए मान बनकर बिकॉज ये जैजी का खास वाला शो है गाना देखिए ओके जनाब आ गए वापस और शो का एंड आ गया है ऑलमोस्ट और अब वक्त आ गया है केक काटने का और हम अब सब गाएंगे मिलके साथ में बर्थडे में कोई गाना आता है बर्थडे किसी को आता है मुझे तो गाना वही आता है हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कुछ और हमारे पास अरबी में भी होता है कैन वी हैव दिस वन के बार बार दिन ये आए मुझे हमारा अरबी में भी होता है क्या कह रहे हैं जैसे वो ओह चलिए आप नाइफ पकड़ लीजिए बार बार दिन ये आए बार बार दिन तुम जियो हजारों साल हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर रिजवान हैप्पी बर्थडे टू यू मे यू हैव मैनी अब निकालें केक और खिलाएं उसको भाई को इन्होंने खिलाना है चलें हाँ ये भी सही होता है बाकी वो खिलाता है क्या बात है कुछ नेचुरल मोमेंट्स हैं इस वक्त केक कट रहा है और सर्व होने लगा है अब एक हैंड से पकड़ना मुश्किल है तुमने खैर अपने घर जाना है ध्यान से बेटा ये अब शगुन नहीं होना चाहिए बस वो केक बचते बचते वाओ वाओ हैप्पी बर्थडे अगेन रिजवान थैंक यू सो मच मजा आ गया बर्थडे केक कटा और बड़ा मजा आया कुछ पोएट्री फिर एंड पे जाते हैं शो की कुछ सुनाओ में अच्छा सॉन्ग बिल्कुल मैं एक और गजल एक मूड बन गया पोएट्री का तो मजेदार बात है हाँ एक गजल है कि आह भर भर के सामने रोना अच्छा किसी राह भर के सामने रोना अच्छा वाह उसको रोकर दिखाना ऐसा है
जैसे पत्थर के सामने रोना। ओहो। खटखटाना तमाम दरवाजे और हर दर के सामने रोना, बेवकूफ़ी है दश्त में हंसना और समुंदर के सामने रोना। वाह क्या बात है, बेवकूफ़ी है दश्त में हंसना और समंदर के सामने रोना, उसके पीछे से रोना ठीक नहीं, उसके पीछे से रोना ठीक नहीं, हौसला करके सामने रोना। अरे अरे अरे, उसके पीछे से रोना ठीक नहीं, हौसला करके सामने रोना, गिनते रहना हमारी याद में दिन, गिनते रहना हमारी याद में दिन और कैलेंडर के सामने रोना। अरे क्या बात, गिनते रहना हमारी याद में दिन और कैलेंडर के सामने रोना, कौन रोता है शौक से अहमद, कौन रोता है शौक से अहमद, अपने दिलबर के सामने रोना। अरे बहुत शुक्रिया, फैंटास्टिक, क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपको पाके शो में और आपकी बात मज़े की थी, थैंक यू। तो बॉय मुझे बताओ प्लान्स की आप दोनों के, अब किस तरह चलना है करियर को लेकर, अभी नहीं करियर को अभी के प्लान्स हम डिस्कस कर रहे हैं। बता दें कैरियर में मेरा जिस तरह सोशल मीडिया की तो बात हो चुकी है, उसके अलावा मैं अमेजोन आ रहा हूँ, उसके लिए मैं अभी चाइना का भी प्लान कर रहा हूँ जाने का, डायरेक्ट वहाँ से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं हम कर सकें, अमेजोन पे सेल आउट कर सकें। ठीक है, तो मेरा ज़बरदस्त बॉयज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, एंड यू गाइज रॉक, कीप रॉकिंग, ठीक है, हैप्पी बर्थडे अगेन, थैंक यू। और वो आई छाई पता कर गई, बहुत शुक्रिया आपकी हसीन आमद का। पहले बताए प्लान्स क्या हैं आपके? अभी तो थोड़े दिन लाहौर रहूंगी, ठीक है, फिर एंड देन आई गो बैक कैरिंग ऑन विद द सेम रूटीन। अभी और वहां आप किस एरिया में होती हैं, मतलब किस एरिया में आपका ये है पूरा सेटअप? मिर्ज़ापुर में। ओके, जबरदस्त, ग्रेट है, इंशाल्लाह आएंगे तो डेफिनेटली मैं आई विल ट्राई टू, प्लीज प्लीज प्लीज, आई वुड लव टू होस्ट, आने मजा आएगा इंशाल्लाह, वहां से मिलते हैं ना पाकिस्तानी लोग अपने तो और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कोई पैगाम दीजिए अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को, कैमरा आपके सामने है। वेरी इंपॉर्टेंटली जो मैंने पहले स्टार्टिंग में भी ये बोला था कि इफ़ योर गर्ल्स, इफ़ योर चिल्ड्रन, मेल फीमेल डजेंट मैटर, दे वॉन्ट टू फॉलो दिस ड्रीम ऑफ बींग अ मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, प्लीज़ उसको बनने दें, इट डजेंट मैटर कि उनका जेंडर क्या है, इट जस्ट वॉट मैटर्स इज वॉट मेक्स दैम हैप्पी। एंड सेकेंडली प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, आजकल मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है हु आर बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस एज वेल हु लूजिंग देयर फेथ इन देमसेल्व्स, अपने आप में फेथ रखें, बिलीव रखें, थिंग्स विल बी फाइन, टाइम अच्छा बुरा बहुत बुरा भी गुजर जाता है। आई हैव लॉस्ट टू वेरी वेल नोन पीपल हु वर अराउंड मी लुकिंग वेरी हैप्पी हेल्दी, बट दोनों ने सुसाइड की थी, मेकअप के ग्रुप्स में थी, उनके न्यूज़ वगैरह में भी आया था। सो डिप्रेशन, लोनलीनेस इज रियल, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे ये फील होता है कि आपको कोई बीमारी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोटा नहीं हो जाता ट्रीट कराने से, तो प्लीज़ अपने आप को ट्रीट कराएं, आपके जाने के बाद बाकी लोग सफ़र करते हैं, तो गेट सीक हेल्प, गेट मेडिकल हेल्प एंड और अपने करियर को, अपनी इंस्पिरेशंस को आप फोकस पे फोकस करें। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग द शो मोर ब्यूटीफुल, थैंक यू बॉयज, कीप रॉकिंग यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने इन्जॉय किया होगा, डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स जहाँ हम हर पल आपके मैसेजेस का इंतजार करते हैं कि हमें आपका फीडबैक चाहिए होता है, शो कैसा लगा, क्या हम मजीद कर सकते हैं, लेट अस नो अबाउट दैट। कल मिलेंगे, नया शो, नए गेस्ट होंगे, मज़े की बातें होंगी, कल लौट के आऊँगा, टेक केयर, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है, टिल टुमारो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह ने गवान, अल्लाह हाफिज। ओके जनाब, आ गए वापस और शो का एंड आ गया है ऑलमोस्ट, और अब वक्त आ गया है केक काटने का, और हम अब सब गाएंगे मिल के साथ में बर्थडे विश, कोई गाना आता है बर्थडे में, किसी को आता है? मुझे तो गाना वही आता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं कुछ और हमारे पास अरबी में भी होता है, कैन वी हैव दिस वन के बार बार दिन ये आए, हमारा अरबी में भी होता है, क्या कह रहे हैं मुझे वो, ओ वाह, चलिए आप नाइफ पकड़ लीजिए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिजवान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी, अब निकाले केक और खिलाएं उसको भाई को, इन्होंने खिलाना है, चले हाँ ये भी सही होता है, बाकी वो खिलाता है।
कभी कहा था कभी एक ही बात होती है। पूछना चाहिए इससे पहले हैंड सैनिटाइज किए चम्मच से ले लें। चले हाँ बिल्कुल सही कह रही है, वो बिल्कुल सही बात है। रिस्क नहीं लेती। क्या बात है, कुछ नेचुरल मोमेंट्स हैं इस वक्त। केक कट रहा है और सर्व होने लगा है। अब बड़ा मजा आया। कुछ पोएट्री फिर एंड पे जाते हैं शो की, कुछ सुनाओ में अच्छा सॉन्ग। बिल्कुल, मैं एक और गजल, मूड बन गया पोएट्री का तो मजेदार बात है। हाँ, एक गजल है कि आह भर भर के सामने रोना, अच्छा किसी राह भर के सामने रोना, अच्छा वाह, उसको रोकर दिखाना ऐसा है जैसे पत्थर के सामने रोना, ओहो, खटखटाना तमाम दरवाजे और हर दर के सामने रोना, बेवकूफ़ी है दश्त में हंसना और समुंदर के सामने रोना। वाह क्या बात है, बेवकूफ़ी है दश्त में हंसना और समुंदर के सामने रोना, उसके पीछे से रोना ठीक नहीं, उसके पीछे से रोना ठीक नहीं, हौसला करके सामने रोना। अरे अरे अरे, उसके पीछे से रोना ठीक नहीं, हौसला करके सामने रोना, गिनते रहना हमारी याद में दिन, गिनते रहना हमारी याद में दिन और कैलेंडर के सामने रोना। अरे क्या बात है, गिनते रहना हमारी याद में दिन और कैलेंडर के सामने रोना, कौन रोता है शौक से अहमद, कौन रोता है शौक से अहमद, अपने दिलबर के सामने रोना। अरे फैंटास्टिक, क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया आपको पाके शो में और आपकी बात मज़े की थी, थैंक यू। तो बॉय मुझे बताओ प्लान्स क्या, आप दोनों क्या किस तरह चल रहे हैं करियर को लेकर? अभी नहीं करियर तो अभी के प्लान्स हम डिस्कस कर रहे हैं। बता दें करियर में मेरा जिस तरह सोशल मीडिया की तो बात हो चुकी है, उसके अलावा मैं अमेजोन आ रहा हूँ उसके लिए, मैं अभी चाइना का भी प्लान कर रहा हूँ जाने का, डायरेक्ट वहाँ से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं हम कर सकें अमेज़ोन पे सेल आउट कर सकें। ठीक है, तो मेरा जबरदस्त बॉयज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, एंड यू गाइस रॉक, कीप रॉकिंग, ठीक है, हैप्पी बर्थडे अगेन, थैंक यू। और वो आई छाई पता कर गई, बहुत शुक्रिया आपकी हसीन आमद का। पहले भाई प्लान्स क्या हैं आपके? अभी तो थोड़े दिन लाहौर रहूंगी, ठीक है, फिर एंड देन आई विल गो बैक कैरिंग ऑन विद द सेम रूटीन। अभी और वहां आप किस एरिया में होती हैं, मतलब किस एरिया में आपका ये है पूरा सेटअप? मिर्ज़ापुर में। ओके, जबरदस्त, ग्रेट है, इंशाल्लाह आएंगे तो डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू, प्लीज प्लीज प्लीज, आई वुड लव टू होस्ट, आने मजा आएगा इंशाल्लाह। वहां से मिलते हैं ना पाकिस्तानी लोग अपने, तो और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कोई पैगाम दीजिए अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को, कैमरा आपके सामने है। वेरी इंपॉर्टेंटली जो मैंने पहले स्टार्टिंग में भी ये बोला था कि इफ़ योर गर्ल्स, इफ़ योर चिल्ड्रन, मेल फीमेल डजेंट मैटर, दे वॉन्ट टू फॉलो दिस ड्रीम ऑफ बींग अ मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, प्लीज़ उसको बनने दें, इट डजेंट मैटर कि उनका जेंडर क्या है, इट जस्ट वॉट मैटर्स इज वॉट मेक्स दैम हैप्पी। एंड सेकेंडली प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। आजकल मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है हु आर बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस एज वेल हु लूजिंग देयर फेथ इन देमसेल्व्स। अपने आप में फेथ रखें, बिलीव रखें, थिंग्स विल बी फाइन, टाइम अच्छा बुरा बहुत बुरा भी गुजर जाता है। आई लॉस्ट टू वेरी वेल नोन पीपल हु वर अराउंड मी, लुकिंग वेरी हैप्पी हेल्दी, बट दोनों ने सुसाइड की थी, मेकअप के ग्रुप्स में थी, उनका न्यूज़ वगैरह में भी आया था। सो डिप्रेशन, लोनलीनेस इज़ रियल। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे ये फील होता है कि आपको कोई बीमारी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोटा नहीं हो जाता ट्रीट कराने से, तो प्लीज़ अपने आप को ट्रीट कराएं। आपके जाने के बाद बाकी लोग सफ़र करते हैं, तो गेट सीक हेल्प, गेट मेडिकल हेल्प, एंड और अपने करियर को, अपनी इंस्पिरेशंस को आप फोकस पे फोकस करें। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बीइंग द शो मोर ब्यूटीफुल, थैंक यू बॉयज, कीप रॉकिंग यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड ये था आज का शो, उम्मीद करते हैं आपने इन्जॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, जहां हम हर पल आपके मैसेजेस का इंतजार करते हैं कि हमें आपका फीडबैक चाहिए होता है, शो कैसा लगा, क्या हम मजीद कर सकते हैं, लेट अस नो अबाउट दैट। कल मिलेंगे नया शो, नए गेस्ट।